देख रहे हैं अंबर टाइम। नेता लोग जेल नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हंसते हुए यह बात कही नामली नगर पंचायत के सभापति कांग्रेस पार्षद तूफान सिंह सोनगरा ने। दरअसल नामली पुलिस ने सोमवार शाम को तूफान सिंह को शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तारी के बाद रतलाम न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। कांग्रेस पार्षद और नगर पंचायत नामली के सभापति तूफान सिंह सोनगरा के खिलाफ देर रात को नामली पुलिस ने धारा 353, 294 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया था। नामली थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया कि वाहनों के निकलने के दौरान कट लगने की बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद पर पुलिस कार्रवाई में कांग्रेस पार्षद तूफान सिंह सोनगरा द्वारा बाधा डाली गई थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। किस आरोप में आपने कांग्रेस पार्षद तूफान सिंह जी को गिरफ्तार किया? कल रात की घटना है, करीबन 11 बजे की, और दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। इस मैटर को लेके थाने पे कार्रवाई नहीं करने देने के लिए शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में कायम किए। गिरफ्तारी हो गई है? जी, गिरफ्तारी हो गई है, न्यायालय पेश कर दिया गया है, जहां जेल वारंट बनाया गया है इनका। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? 353 और एक दो और अन्य बाधा विकी अन्य धाराएं हैं, जिनके तहत कायम किए गए। ये एक्सीडेंट किस लिए हुआ था, कहां हुआ था, कुछ बताएं? ये वहीं पे है, थाने से कुछ दूरी पे ही है। दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, टच हुई थी एक्सीडेंट, तो उसी बात को लेकर कहा सुनी हुई ना, फिर मामला आगे बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अनुसार केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में रतलाम में रोजगार मेले में शासकीय सेवाओं के नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किए गए। इस दौरान उपस्थित रहे सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतनी काश्यप, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, महापौर प्रहलाद पटेल, रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अशोक पोरवाल, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा, अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव उपस्थित रही। इस अवसर पर 165 युवाओं को शासकीय सेवाओं के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के कार्यक्रम देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किए गए थे। इस दौरान देश में 71,000 युवाओं को शासकीय सेवाओं के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रतलाम रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खिल उठे। बेरोजगारों को रोजगार मिलने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। इंदौर की अंजलि मौर्य को डाक सेवक के पद पर तथा सीहोर की गरिमा राठौर को रेलवे में क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिली है। रतलाम रोजगार मेले में 165 युवाओं को शासन के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कि हमारे देश का एक ऐसा व्यक्तित्व तो जो देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की देश के स्वाभिमान में साथ देंगे, तब क्योंकि समय सीमा हमारे पास में जितनी है उतनी रहती है। मैं आप सब लोगों को एक बार हृदय से जितने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके गार्जियंस उनके माता पिता बैठे उनको मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया। आज वो आपके परिवार की अपने देश की सेवा करने के लिए और साथ में समाज की सेवा करने के लिए यहाँ से वो एक संकल्प लेकर जाएंगे। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में करीब 120 प्रकरण पहुंचे, अधिकतर मामले जमीन और पट्टे से जुड़े हुए थे। कलेक्टर ने उन प्रकरणों को संबंधित विभागों को भेजे। जन सुनवाई में पहुंचे शिवशंकर कॉलोनी टैंकर रोड के रहवासियों ने निर्धारित जगह के पट्टे देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय रहवासी महिला ने बताया, रेखा चौहान, कहां से आए आप, काई के लिए आए? हम सिंहनगर टैंकर रोड से आए और पट्टे के लिए आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि आज से हमें 12 साल पहले जगह चैतन्य कश्यप ने नाप के दी थी और वहीं रहने के लिए बोला था, और बोला था आपके पट्टे जब भी बनेंगे तब यहीं बनाएंगे। अभी बीच में भी हमने आवेदन दिए थे पट्टों के, तो उसमें भी सुनवाई नहीं की गई। फिर उसके बाद में इन लोगों ने बताया गया, बोले ये जेवेल में आ रही है और जगह वो जेवेल में है ही नहीं, उससे आगे की जमीन है तो बिक रही है, तो फिर ये जमीन हमारी जेवेल में कैसे आएगी? बिल्कुल बीचों बीच हमारे पड़ोस में जगह। अभी क्या दिक्कत हुई? अभी ये दिक्कत है कि जब सर्वे करना आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला नहीं बना के देंगे तुम्हारे पट्टे, क्योंकि ये जेवेल तो जेवेल में आ रही है, कभी बोलते हैं इंडस्ट्रीज में आ रही है, यहाँ से हटा के तुम्हें मल्टी में दिए जाएंगे। तो हमारे को पहले दूसरी जमीन से हटा के वहाँ पर बसाया था। अब यहाँ से भी हमने हमारे जैसे तैसे मकान बनाए हमने 10-12 साल में, अब वो तोड़ के फिर हम मल्टी में जाएंगे, तो हम क्या यही करेंगे? सरकार पे इतना भरोसा भी नहीं रख सकते, हम वोट देते हैं कि हम एक जगह कहीं रह सकें।
12 साल 13 साल हो गए, उससे पहले हम उधर ही कंपनी में रहते थे, यूं तो हमें 25 साल हो गए उधर इंडस्ट्रीज में रहते रहते। शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के दावे सब्जबाग सपने ही साबित हुए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर एक सफाई का रोना रो रहा है। कहने को निगम के पास सफाई कर्मियों की फौज है, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ राजनीति होती नजर आती है। एक महीने के बाद मानसून दस्तक देगा, लेकिन नाले और नालियों की सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। शहर में जगह जगह फिर अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बनते नजर आने लगे हैं। त्रिवेणी रोड की यह तस्वीर देखिए, जहां धार्मिक स्थल के साथ जीवन के अंत का स्थल मुक्ति धाम सहित रहवासी क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में भाजपा पार्षद और नगर सरकार के स्वच्छता प्रभारी विशाल शर्मा का निवास स्थान है, लेकिन निगम के जिम्मेदारों ने इस क्षेत्र की स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा तो शहर की अन्य रहवासी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था क्या होगी, उसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी, पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07412356268 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा, मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट, 2 बत्ती, रतलाम।